हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर चैनल कॉमर्स विजन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे। और बात करेंगे आज फास्ट ट्रैक सीरीज, फास्ट ट्रैक 95 प्लस सीरीज का फोर्थ वीडियो। जिस सही सुना, ये होगा आपका कौन सा वीडियो? फोर्थ वीडियो। इफ स्टिल यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो, प्लीज विजिट टू द क्लास 10th प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज दैट पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी स्पेशल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। उसको देख डाला तो एग्जाम झिंगा लाला। तो कर लो एग्जाम मुट्ठी में, नंबर ऑफ टैगलाइंस वी हैव। तो आज का जो क्वेश्चन है काफी डिमांडेड था, जस्टिफाई फॉर अगेंस्ट गिव टू रीजन वाला क्वेश्चन, जो आपके 9 से ही काफी कंफ्यूज करता होगा आपको। और जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, तो पहले तो आपको बता दूं कि पैटर्न क्या होगा आपके लिए। यहां पे होगा आपके लिए दो ऑप्शन, इधर फॉर और अगेंस्ट। या तो आप सेटिस्फाई होगे या आप उसके अगेंस्ट होगे। सेटिस्फाई होगे तो फॉर जाओगे, और अगर अगर आप सेटिस्फाई नहीं होगे तो आप अगेंस्ट जाओगे। लेकिन दोनों कंडीशन पे आपको देने होंगे दो दो रीजन। अगर आप सेटिस्फाई हो तो भी दो रीजन, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो भी दो रीजन। तो पहला हम क्वेश्चन जो यहां पे देख रहे हैं, देखो एक और चीज मैं बता दूं, यहां पे 20 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मुझे भी लगता है कि ये 20 क्वेश्चन आपके लिए इनफ नहीं होंगे। यहां पे मैं दूंगा 20 क्वेश्चन, इसके बाद भी अगर लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपको जस्टिफाई में कंफ्यूज करते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और वो कंफर्म कराऊंगा, उसको क्लैरिफाई कराऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही ऑलरेडी। तो इसके बाद भी 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगातार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद भी जस्टिफाई में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपको कंफ्यूज कर रहा है, सर ये मुझे नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली विदाउट हेजिटेशन यू कैन मैसेज मी, डेफिनेटली आई विल क्लैरिफाई योर प्रॉब्लम। ओके सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैविंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ चैलेंजिंग फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ चैलेंजिंग फंक्शन। तो सही सुना आपने, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ चैलेंजिंग फंक्शन, और मेरे अकॉर्डिंग ये होगा क्या? फॉर। और रीजन आप जब फॉर लिखोगे तो आप याद करना एक चीज, मैं आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग और बताते चलता हूं। जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओ तो जेल पेन का यूज मत करना, आपके पास होना चाहिए डॉट पेन, ब्लू और ब्लैक डॉट पेन। तो ब्लैक पेन से लिखना आप फॉर, अगर फॉर हो और अगेंस्ट होगा तो अगेंस्ट। पहले यहां पे फॉर है तो आप लिख दोगे ऊपर फॉर, और पहला लिखोगे यस आई एग्री विद स्टेटमेंट, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल द ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर हेट्रोजीनियस, द फर्स्ट रीजन। एंड सेकेंड रीजन यू कैन राइट, ह्यूमन रिसोर्सेज आर डायनेमिक इन नेचर। पहला रीजन मैंने बता दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज आर हेट्रोजीनियस, एंड सेकेंड रीजन यू कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर डायनेमिक इन नेचर। दैट्स अ स्टूडेंट, इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क टू कंट्रोल द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स, इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को हम एज अ मशीनरी ट्रीट नहीं करते हैं। वी कैन ट्रीट ह्यूमन रिसोर्स एज अ मशीनरी, दैट्स अ स्टूडेंट वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ चैलेंजिंग फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, टूडेज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज एन एज अ वॉट अ कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। सही सुना आपने, मार्केटिंग ओरिएंटेड, मार्केटिंग आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, बिकॉज स्टूडेंट वी नो दैट टुडे मार्केटिंग एरा इज नोन एज अ कंज्यूमर मार्केटिंग एरा, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। सो यू हैव टू गो फॉर विद द स्टेटमेंट, यहां लिखोगे ऊपर फॉर। फर्स्ट रीजन यू कैन राइट यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, टुडे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड अपॉन कंज्यूमर। ऑल 4P ऑफ द मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, सेटअप अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर, बिकॉज द कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। सो यू हैव ट्राइड टू रीजन, पहला रीजन आपको मैं बता दिया, बिकॉज एवरीथिंग कंट्रोल, एवरीथिंग वी हैव टू सेटअप अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स, ऑल 4P। एंड सेकेंड वन यू कैन राइट, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ओके, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट यू हैव टू सेटिस्फाई योर कंज्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो पहला क्वेश्चन जो आ गया आपके लिए वो होगा आपका अगेंस्ट। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज व्हाट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज व्हाट? इट्स नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, ध्यान दीजिएगा। तो नॉमिनल नहीं है तो यहां पे आप लिख दोगे अगेंस्ट। अगेंस्ट के लिए भी देने होंगे दो रीजन। तो पहला लिखोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, and income and expenditure is second reason you have right, income and expenditure is a nominal account। दो रीजन तो आपको लिखने ही होंगे, वो भले आपको लगता होगा कि एक ही है तो उसको तोड़ मड़ के दो बनाइए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यू हैव टू राइट टू रीजन, नहीं आता है आपको, कोई कंफ्यूजन करता है आपको क्वेश्चन, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। ओके, दूसरा, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए, इंट्रोडक्शन स्टेज।
पीएलसी याद दीजिए, याद कीजिए पीएलसी का वो स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, अमेंडमेंट। पहला स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज और इनिशियल स्टेज। ओके, इंट्रोडक्शन स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट वेरी रिस्की, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है अगेंस्ट। और यहां भी लिखोगे आप दो रीजन, ध्यान से लिखिएगा आप लोग। पहले लिखोगे नो आई एम नॉट एग्री विद स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन स्टेज इज वेरी रिस्की स्टेज। यहाँ पे नॉट रिस्की है लिखोगे, इट इज अ वेरी रिस्की स्टेज बिकॉज द मैक्सिमम गुड्स फेल इन दिस स्टेज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर प्रमोशन, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर प्रमोशन। ओके, सो टू रीजन यू हैव टू राइट, इंट्रोडक्शन स्टेज इज द वेरी रिस्की स्टेज बिकॉज नंबर ऑफ गुड्स फेल इन दिस स्टेज, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, इंट्रोडक्शन स्टेज इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन और इन्फेंसी स्टेज नंबर ऑफ गुड्स डाई ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर प्रमोशन, proper promotion. So you have tried two reason. Next one is what? Fifth question. Recruitment is a promotion of elimination. सही सुना, ये होगा आपके लिए for, क्योंकि याद कीजिए, अरे नहीं 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 ऐसा नहीं, recruitment is not a process of elimination. यहां आप लिखोगे क्या against, यहां लिखोगे आप क्या, यहां लिखोगे आप against। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको जैसे किया अभी मुझे कंफ्यूज, आपको भी हो सकता है कंफ्यूज कर दे, लेकिन वहां दिमाग की बत्ती आपको जलानी होगी मेंटोस खाके। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, नो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, बट सेलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, रिक्रूटमेंट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो यहां पे लिख देना आप अगेंस्ट, लिखना रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट अट्रैक्ट टू द एम्प्लॉइज, सेलेक्शन रिजेक्ट टू द एम्प्लॉइज, सेलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड, recruitment is a positive process but selection is a negative process, selection reject to the person, selection eliminate the what, eliminate the employees, eliminate the person, so that's a selection is the elimination process, recruitment is the positive process. Next one is, friend, branded goods are normally sold by inspection, yes, for, because friend we know that when we have purchased the branded product, for jana reason likhna, yes, branded goods normally or mostly sold by inspection, because when we have purchased the branded product we have purchased for quality, that's why branded goods mostly sold by inspection. First of all it be inspected by the production department, then it will be launched for selling. So student, branded goods are normally sold by inspection, because when we have sold without inspection, when quality of the branded product will get decreased, it will create bad publicity, it will create bad publicity, and you know that what is the influence of bad publicity, student. Next one, training, yes, training reduce the employee's absenteeism, yes, training इस यहां पे भी आप लिखोगे फॉर, ट्रेनिंग का ये आपका फीचर्स है कि ट्रेनिंग रिड्यूस द एम्प्लॉइज एब्सेंटिज्म, बिकॉज आफ्टर ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बिकम मोर इफिशियंट एंड मोर इफेक्टिव, दे बिकम मोर एंड मोर प्रोफेशनल, सो व्हेन दे विल बिकम मोर एंड मोर प्रोफेशनल दे नो देयर लायबिलिटी, दे नो देयर अथॉरिटी एज वेल एज द अकाउंटेबिलिटी, वो अपने वर्क में 100% पोटेंशियल देते हैं, और वहां पे जो एब्सेंटिज्म होती है थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है स्टूडेंट। तो ट्रेनिंग रिड्यूस द एब्सेंटिज्म ऑफ द स्टूडेंट, एब्सेंटिज्म ऑफ द एम्प्लॉयर्स, बिकॉज ट्रेनिंग इंप्रूव द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पर्सन, आफ्टर ट्रेनिंग द पर्सन एबिलिटी विल गेट इंक्रीज, दे विल बिकम मोर एंड मोर प्रोफेशनल, एंड जब प्रोफेशनल बन जाओगे आप तो आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल लर्निंग, यस, सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल लर्निंग, बिकॉज इन केस ऑफ ऑन द जॉब, याद करो ऑन द जॉब इज व्हाट, लर्निंग एज वेल एज अर्निंग, ट्रेनिंग इन केस ऑफ ऑन द जॉब वी प्रोवाइड बोथ, वी प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज टू द इम्प्लॉयज, ऑन द जॉब ऑन द साइड हम वहां पर प्रोवाइड करते, वी प्रोवाइड बोथ, वी प्रोवाइड थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज टू आर इम्प्लॉयज, सो यू हैव टू गो फॉर हियर, इन केस ऑफ ऑन द जॉब वी प्रोवाइड बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज विथ मनी, सो दैट्स स्टूडेंट ऑन द जॉब इज नोन एज वॉट, ऑन द जॉब इज नोन एज अ
लर्निंग बाई डूइंग मीन्स लर्निंग एज वेल एज अर्निंग. A demand draft is preferable to the check. Yes, a demand draft is preferable for to check. You go for because demand draft is more safe than check. So if you want to make a payment for the safety, demand draft is more preferable than check. Okay. Second one, demand draft amount will be transferred to the particular person. Demand draft amount transferred only particular person. It cannot be transferred to the next party. It will be transferred only to the particular person. So demand draft is preferred to the check. Central bank is the lender of the last resort. You just go for four because central bank is known as the lender of last resort because central bank is a banker's bank. When commercial bank need money, when government need money, central bank provide to them. So that's the student. Central bank is known as the lender of last resort. So you can say that central bank, yes, I agree with the statement. Central bank is lender of last resort because it provides fund to both government as well as to the commercial bank. That's why it is known as the lender of last resort. Next one is the training related to the improving skill for performing a job. By training DI kyo jata hai? Yes, you go for four. Ye ab jo main likh raha hu ye false nahi hai, ye four hai. So training is related to the improving skill for performing a job. Yes, because training improves the efficiency of the person as well as the effectiveness of the person. After training, we need less supervision. After training, the ability of the person will improve. So that's the strength. We can say that training is used for improving skill for performing a job. Because training hum dete hi us person ki hai ki provide special skill to the particular person for this particular job. After training, that particular person become more and more professional. Next, in competitive market, parity pricing is appropriate strategy. Parity pricing aapko yaad hoga, it is known as a competition based pricing. Such type of pricing set up according to the competitors like Motin and All Out, Redmi and Realme. ये सब कौन सा है आपका? ये है आपको use करते कौन सी pricing strategy? Parity pricing. When we have set up our pricing strategy according to the competitors, where goods are homogeneous. So no doubt in competitive market we having competitors, goods are mostly homogeneous. So that's a trend. We can say that parity pricing is suitable for present competitive market. It is the 14th question. After 14th, we having 6 more questions. The services are not homogeneous. सही सुना आपने, services are not homogeneous. यहां भी जाओगे आप for लिखोगे yes, I'm agree with his statement. Services are not homogeneous because services are heterogeneous. Services are different. जैसे आपने दो restaurant का आपने service लिया, तो दोनों का service क्या होगा? Different होगा. दो teacher ने आपको commerce पढ़ाया, दोनों की service क्या होगी? Different होगी. Goods are homogeneous, but पहले लिखोगे goods are homogeneous but services are heterogeneous. They are different. When we have hired the service from the different place, we get the different service. Services are varied. Okay, so student, we can say that services are heterogeneous. Services are not homogeneous. So 2 seconds के लिए मैं side होता हूँ. आप screenshot ले लो. वैसे तो मैं PDF आपको दूंगा ही. उसके बाद हम मिलते हैं 15th till 20 question. So after 14th, the next question we having 15, 16, 17, 18, 19, 20. So top 20 question हम कर रहे हैं. मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको कि अगर इसके बाद भी लगता है इस question में, fourth वाले question में specially justify, मुझे भी लग रहा था कि कुछ question कम ना पड़ जाए, लेकिन top 20 question हम दे रहे हैं. इसके बाद भी अगर लगता है आपको कि कोई question आपको confuse कर रहा है, so without hesitation आप comment box में दो या WhatsApp पे message कर सकते हो, आप कर सकते हो. तो 15 question देखते हैं. A check is an inconvenient method of making a payment. तो ये question आप जाओगे against के लिए, ये लिखोगे यहाँ पे I'm not agree with statement because a check is the most convenient methods to making a payment. A check is the most convenient method to making a payment because in case of check, no need to pick the cash. We can just stop the frauds and all. We having transferred the money one person to the another person. So you can see that a check is the most convenient method to what? Making a payment.
Okay, so check is the most convenient method because we no need to pick the cash. Second one is you can say that it is easily transferred to the one person to the another person. So you can write the true reason. Next one is the vestibule training is the better than on the job training. So vestibule training जो होती है बेटा वो होती है आपके लिए क्या? Vestibule training आपके लिए होती है off the job. Vestibule training is not better than. I just write against. So you have right. I am not agree with statement because vestibule training is the most expensive training. In case of vestibule training we have only learned the things but we can't earn, but in case of on the job training we earn as well as learn. Yahan pe hum seekhte bhi hain aur earn bhi karte hain. That's why you can say that on the job training is better than vestibule training. So you have to go for against. Okay, two reason is there. In case of vestibule training we have to pay the money. No earning is there, but in case of on the job we learn as well as earn. So you can say that on the job is better than vestibule training. Against लिख दिया मैंने. Next one is a skimming pricing policy is ideal for introducing a product in case of FMCG. ये भी आपका against है क्योंकि आपको पता होगा skimming pricing means we have set up the price at a high rate and it is suitable for what? It is suitable for luxury product. It is not suitable for the FMCG product. For the FMCG product you can say that parity pricing is suitable, cost plus pricing is suitable, but skimming pricing is suitable. So you can write I am against this statement. Skimming pricing is suitable for the luxury product. Skimming pricing is not suitable for the FMCG product. For the FMCG product, parity pricing as well as cost plus pricing is suitable. Next one is what? All membership fee collected by NPO, non-profit organization, concern must be entered to the asset side of the balance sheet. यहां भी जाएंगे आप against. लिखोगे पहला no, I am not agree with the statement because not all membership fee, only specific fee will be mentioned in case of liability side of the balance sheet, not asset side, liability side of the balance sheet, and other membership fee mentioned which side? Income side of income and expenditure. तो यहाँ पे मैं दो reason बता दे रहा हूँ आपको. Not all fee transfer to the balance sheet and it will some specific donation, some specific fee will be transferred to the liability side and other fee will be transferred to which account? Income and expenditure account, not in balance sheet. So you have to go for against. Next, second last we have advertisement. Remove the middleman. Yeah, eliminate the middleman. Yes, I am agree with the statement. You have to go for advertisement. Remove middleman because with the help of advertisements, it provide the knowledge to the customer where goods is available. Our goods advertisement. हम बता दे, this goods is available on direct selling. So it's remove all type of middleman. So advertisement remove the middleman. Suppose that if goods will be launched and advertisement will start. Now this goods will be available on Flipkart or Amazon or Napa. Tola, something like that. So this thing will be direct selling. So when we achieve the goal, when we get the goods on direct selling, so we focused on direct selling. And when we focus on direct selling, so no doubt it's removed the middleman and advertisement provide the knowledge about the goods. The last topic we have is it marketing. It is the marketing which has converted the yesterday luxury into the today necessity. Yes, student, no doubt. It's a policy of the marketing. Marketing has converted yesterday luxury into the today necessity. क्योंकि जब मार्केटिंग का चीज पॉलिसी होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट व्हेन दे पर्सुएड टू द कस्टमर सो पहले वो बोलते हैं कि पहले इस गुड्स को यूज कीजिए. जब आप इस गुड्स को यूज करेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. पहले हम उस गुड्स को क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी हैव यूज दैट वी यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू मेक आवर लाइफ लग्जरी. याद करो आप जब सेलफोन पहली बार आपने यूज किया होगा तो क्यों यूज किया होगा? कम्युनिकेट करने के लिए, फोटोज लेने के लिए, अपने लाइफ को थोड़ा और कंफर्ट बनाने के लिए, लग्जरी बनाने के लिए. लेकिन आज का टाइम क्या हो चुका है? वो आपकी जिंदगी का बिल्कुल जिंदगी की एकदम इसेंशियल पार्ट हो चुकी है. सो टू एस्टरडे लग्जरी इट विल बिकम व्हाट? टुडे नेसेसिटी. फर्स्ट टाइम आप याद करो जब आपने एसी यूज किया होगा, क्यों यूज किया होगा? योर लाइफ विल बिकम लग्जरी और धीरे धीरे वह आपके क्या बन चुके हैं? नेसेसिटी बन चुकी है. तो पॉलिसी है मार्केटिंग की, पहले इस सामान को यूज कीजिए, ये आपकी लाइफ को लग्जरी बनाएगा और वही लग्जरी चीज धीरे धीरे आपकी जिंदगी की क्या बन जाएगी? जरूरत बन जाएगी. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट दिस फोर्थ वीडियो ऑफ द फास्ट ट्रैक. आई होप यू लाइक इट. सारे मोस्टली क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे. उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है,
डेफिनेटली आप कमेंट करो, आप स्पेशली मैं बोलूंगा इन वीडियोस को, फास्टैग के वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो आप, क्योंकि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होना। प्री बोर्ड इज गोइंग ऑन, सेकेंड प्री बोर्ड इज गोइंग ऑन, और डोंट वरी अबाउट द बोर्ड, बोर्ड के चांसेस अभी भी 80-90% हैं। बी रेडी फॉर द बोर्ड एग्जाम। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट की पका, जस्ट फोकस ऑन अ बुक, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, हर सब्जेक्ट पे फोकस करो, स्कोर मैक्सिमम इन ऑल सब्जेक्ट। और एक चीज और, प्री बोर्ड को आप लेफ्ट ना करो, प्री बोर्ड पे फोकस करो, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट टाइम जैसे फिर वही कोरोना, फिर वही नाटक, फिर वही, तो प्री बोर्ड पे फोकस रहो, प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे अचीव करो, ये अब सबसे बड़ा टास्क होना चाहिए। फिर मैं टिप्स देते जा रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में जेल पेन लेके ना जाना आप लोग, डॉट पेन से लिखना अभी से आप हैबिचुअल अगर हो तो उसी को हटाओ, आप डॉट पेन को यूज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको डॉट पेन ही यूज़ करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑल वीडियोज़ एंड वॉच द ऑल वीडियोज़ ऑफ द फास्ट ट्रैक, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।